कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर राज्य में सियासी दौरों का दौर जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को हुबली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव को लेकर ये सोनिया गांधी की पहली रैली थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की लूट झूठ अहंकार और नफरत से बने इस तरह के माहौल से छुटकारा पाए बिना न तो कर्नाटक आगे बढ़ सकता है और न ही देश तरक्की कर सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग खुलेआम धमकी देते हैं कि अगर बीजेपी चुनाव हार गई तो कर्नाटक को पीएम मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन कर्नाटक के लोग लालची नहीं कि आप उन्हें बहला या बहका देंगे। ये लोग आपकी कमीशन खोरी का जवाब देने के लिए तैयार हैं।